हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और मेथड आपको करा रहा हूं, जो है आरके मेथड, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट कराऊंगा। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैं यूलर्स करा के आया हूं और उसके बाद मॉडिफाइड यूलर्स कराया था मैंने। अब क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, तो यहां पर मैं बेस आपका यहीं से बनाऊंगा कि मॉडिफाइड यूलर्स जो आपका था, वो जब हमारे पास था तो उसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक थी, इतनी हाई भी नहीं थी, बट उसका जो काम करने का तरीका था वो फिर बहुत ज्यादा हीडियस हो जाता था। क्योंकि पहले किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए अगर मैं जीरो कंडीशन मेरे को दे रखी है कि एक्स जीरो पे, वाई की वैल्यू लेट से 5 है, फिर अगर मुझे निकालना है 0.5 के लिए, तो पहले मैं 0.1 पे देखूंगा, 0.2 पे देखूंगा, 0.3 पे देखूंगा, 0.4 पे देखूंगा। अब इसमें भी पहले मैं प्रेडिक्टर फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर मैं करेक्टर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये एक पॉइंट पे ही मेरे को कम से कम एक पेज भर जाएगा, दूसरे पॉइंट के लिए फिर एक पेज भर जाएगा, और बहुत ज्यादा लंबा मेरा प्रोसेस हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने एक और जो नया मेथड आया आरके मेथड, उसने काम को हमारा थोड़ा सा सिंपल कर दिया। उसमें आपको क्या था कि आपको द एडवांटेज वाज ऑफ रिक्वायरिंग ओनली फंक्शन वैल्यूज एट सम सेलेक्टेड पॉइंट्स ऑन सब इंटरवल्स, तो हमें ये चीज का आरके मेथड से फायदा हो गया। अब मेथड क्या है ये आप देखिए, मेथड में आपको करना क्या है, dy/dx इज इक्वल टू fxy। ये मेरे पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इनिशियल मेरे को कंडीशन दे रखी है कि एक्स नॉट पर वाई की वैल्यू वाई नॉट है, तो आर के मेथड जो है वो किस तरह से काम करता है। आर के मेथड आपका एक ही के अंदर चार ऑर्डर्स रहते हैं, ऑर्डर 1, 2, 3, 4। ये चार ऑर्डर क्या है मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं देखूं कि टेलर का y1, अगर टेलर मैं इसी में बेसिक टेलर अपनी लगाऊं y1 नेक्स्ट पॉइंट के लिए, h अगर मैं बढ़ाकर, मतलब मान लीजिए मेरे पास 0 और 1 था, अब मैं एच 0.2 ले लेता हूं, तो नेक्स्ट मेरे पास एक्स का इंटरवल 0.2 के लिए वाई की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ठीक है इतना। यहां पर अगर मैं एच यूज करता हूं तो दिस विल बिकम वाई नॉट प्लस एच टेलर। मैं आपको पूरा मेथड करा के आया हूं, तो ये फॉर्मूला आपको कुछ याद आ रहा होगा, 2 factorial। आगे जाऊंगा तो क्यूब 3 factorial, 4 factorial, ये आपका बढ़ता जाएगा। अब आर के मेथड आपका जो ऑर्डर 1 का है, दिस इज इन कंप्लायंस विद दिस, ठीक है। यहां तक आपका जो अगर मैं टेलर लगा के उसी सेम क्वेश्चन को और सिर्फ 2 यहां तक करूं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आप जितना ज्यादा आगे करते जाएंगे, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, उतना आपका आंसर परफेक्ट और प्रिसाइज आता जाएगा। तो ऑर्डर 1 विल बी इन कंप्लायंस विद दिस मच, ऑर्डर 2 विल बी इन कंप्लायंस विद एच स्क्वायर की टर्म तक का इक्विवेलेंट है। अगर 3 देखूं तो एच क्यूब यहां तक की टर्म का इक्विवेलेंट है, कि यहां तक मुझे अगर टेलर से करूं तो इतना करूंगा तब जाके आंसर मिलेगा, और यहां पर आर के मेथड ऑफ 3 ऑर्डर लगा दूंगा तो इतना परफेक्शन आंसर में मिल जाएगा। 4 बस, और 4 के आगे है नहीं है। अब आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 इज बेसिकली योर यूलर्स मेथड ओनली, ठीक। तो यहां पर ये यूलर्स है, उसके आगे उसका अलग 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 फॉर्मूले बनते जाएंगे जो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, क्योंकि अब मैं यहां पर
ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 के फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा। तो अब मैं डिस्कस कर देता हूं आपको कि फॉर्मूलाज क्या हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप ऑर्डर 4 का डायरेक्ट याद करिए, बाकी चीजें आपको हो जाएंगी। तो ऑर्डर 4 का आप जब डायरेक्ट याद करेंगे, और 3 का भी आपको अलग रहना पड़ेगा, 2 का भी आपको अलग रहना पड़ेगा। बट होता क्या है, जनरली ऑर्डर 4 का ही क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा जाता है कि ऑर्डर 4 से आप करके दिखाइए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए आपके। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1, मैंने आपको बताया था यूलर्स मेथड इज नथिंग बट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1। सो अगेन फॉर आर के मेथड आई हैव y1 इज इक्वल टू y0 प्लस HF(x0, y0) दैट इज द स्टेटमेंट गिवन टू मी इन द यूलर्स ओनली। तो वही चीज यहां पर मैं अगेन यूज कर रहा हूं और आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 बन गया मेरा। अब यहां पर इसने एक और चीज बोली है कि अगर मेरे को ऑर्डर 2 के लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है, अगर मुझे y1 निकालना होगा तो वो होगा y0 प्लस 1/2 k1 एंड k2। k1 k2 क्या है मैं आपको बताता हूं, बट अब ऑर्डर 2 है तो मतलब यहां तक आंसर विल बी इन कंप्लायंस विद टेलर्स मेथड। अब यहां पर k1 k2 क्या है, ये फॉर्मूला आपका है, इसके अंदर आप बस k1 k2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। k1 की वैल्यू के लिए आपको चाहिए k1 इज इक्वल टू HF(x0, y0) तो ये आप अलग से पहले कैलकुलेट कर लेंगे, एच आपने जितना भी लिया है, जो भी आपने इंटरवल लिया है, और आपका जो बेसिक इनिशियल वैल्यूज के साथ डाल के फंक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड, के टू क्या कहता है, के टू इज नथिंग बट HF(x0) प्लस HY0 प्लस K1। जो K1 आया था वो मतलब करा क्या है यहां पे मैंने, अगर देखूं तो एवरेज किसका लिया है, जो कि मेरे पास ये यहां पर ये जो चीज थी दिस इज नथिंग बट K1, और जो मेरे पास बढ़ा के वैल्यूज आई, ये ऐसा ही सिमिलर हमने कहां करा था, ये मॉडिफाइड यूलर में ही करा था, आपको अगर याद हो तो मॉडिफाइड यूलर में मैंने करा था कि एवरेज ले रहा था जो लेटेस्ट वैल्यू आई। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है, K1 मैंने निकाला और उसका बस एवरेज लिया X0 प्लस H। अगर मान लीजिए मैंने कुछ जीरो से स्टार्ट किया हुआ तो 0.2 लेता यहां पर, और जो नई वैल्यू आपकी आई है वो ले लेता एडेड। तो ये चीज आपकी हो गई K1 और K2। अब क्या है, इसके बाद आएगा ऑर्डर 3 ऑर्डर 4, तो वो चीजें भी आपको याद करनी है। मैं डिस्कस कर देता हूं फॉर्मूलेज हैं क्या। सो नाउ वी लुक एट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 3 के लिए आपके लिए y1 का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वहां पर 1/2 आपका था प्लस K1 प्लस K2, बट यहां पर है 1/6 K1 प्लस 4K2 प्लस K3। अब K1 और K2 भी यहां पर चेंज होते हैं, बिल्कुल चेंज होंगे। K1 तो हालांकि आपका सेम ही रहता है HF(x0, y0), ये मेरा K1 हो गया। K2 मेरा होगा HF(x0 plus H/2 plus K1/2), ये मेरा आपका देखेंगे तो चेंज हो गया। अब K3 हो सकता है आपको ये टिपिकल लगे याद करने में। HF इज अ फंक्शन ऑफ X0 प्लस H, जहां जहां X है वहां डाल दूंगा X0 प्लस H, और जहां जहां Y है, पहले इसी चीज को आप अलग कैलकुलेट कर लेना,
कि वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के वन कितना आ रहा है, फिर जहां जहां वाई है वहां पर ये पूरा पुट कर देना और उससे पूरा जो फंक्शन आपका बनेगा वो आपका K3 दे देगा। तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, हो सकता है आपको अजीब सा लगे, याद करने में दिक्कत हो। तो ऑर्डर 3 वैसे भी हम बहुत कम यूज करते हैं, ऑर्डर 4 ही मेनली यूज करते हैं, और उसका इतना ज्यादा टिपिकल कहीं भी रहता नहीं है फॉर्मूला। बट ये है, आपको फिर भी याद करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है वो कौन सा क्वेश्चन सेट कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 4। सो लास्ट देखेंगे ऑर्डर 4 के लिए। वाई वन आपका हो जाएगा वाई नॉट प्लस 1/6 के वन प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। के वन आपका यही रहेगा जैसा आपका पीछे भी चलता आ रहा है। के टू की आपकी वैल्यू रहेगी एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाय टू के वन बाय टू। तो यहां पर आपको बस एक्स नॉट में एच बाय टू और के वन बाय टू यूज करना है। के थ्री आपका हो जाएगा ये चीज और ये चीज अभी तक सेम है, बस यहां पर आप क्या करोगे, जो आपके पास के टू में जो वैल्यू आई थी वो यूज कर लोगे और यहां पर ये बन जाएगा। के थ्री आपका हो गया, के फोर आपका जो है वो होगा अगेन एच एफ एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच एंड वाई नॉट प्लस K3। तो आई होप ये आपको देखने में भी फॉर्मूला बहुत सिंपल लग रहा है, लॉजिक भी बहुत सिंपल है। मैंने एच बाय टू यहां पर बढ़ाया, यहां पर भी बढ़ाया, यहां पर वापस एच ही बढ़ाया है, और यहां पर जो लेटेस्ट K1 आई थी वो यूज करी, यहां से इससे लेटेस्ट K3 के लिए K2 लेटेस्ट आई थी वो यूज करी, K4 में आपको K3 यूज करी, और उस तरह से बाद में मैंने सबका एक एवरेज लिया। तो ये चीजें आप साइड में अलग से करते हैं, ये चीज लास्ट में आप कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, इसी तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई होप आपको वैसे ये भी समझ आ गया हो, बट फिर भी न्यूमेरिकल जरूर देखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।